रीवा मध्य प्रदेश में दिनांक 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिरसा मुंडा आस्था ट्रस्ट समिति रीवा की ओर से माता शबरी जयंती एवं माता शबरी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम गारी वनवासी पूर्व विधायक त्योथर श्रीमती रामबाई कोल, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद गुड़ श्री जगदीश प्रसाद गोटिया, पार्षद गुड़ श्री तुलसीदास कोल, हरदी अध्यक्ष कोल समाज श्री भूरा कोल, खामडी वरिष्ठ समाज सेवी श्री राजेश प्रसाद कोल चौड़ियार, श्री जेपी कोल, खामडी एडवोकेट रविंद्र कोल, एडवोकेट भलुआ श्रीमती भूटान कोल, खामडी श्रीमती मानवती कोल, खामडी श्री बाबूलाल कोल, पूर्व प्राचार्य श्री रामसुंदर कोल दुआरी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रघुनंदन कोल कोष्टा, डॉक्टर सी एल रावत रीवा, श्री प्यारेलाल कोल गोरकी, शिक्षक एडवोकेट सरोज कोल रीवा, श्री वीतराम कोल पूर्व सरपंच भलुआ, राजेंद्र कोल, रीठी महेश कोल भलुआ, संदीप कोल, वीर खाम चौरा, राम गोपाल कोल भलुआ, राम नरेश कोल पाती, लक्ष्मण प्रसाद कोल बदबार, राम कुशल कोल, कार्यक्रम स्थान माता शबरी मंदिर भैरव बाबा ग्राम खामडी ग्राम पंचायत चौड़ियार तहसील गुड़ जिला रीवा मध्य प्रदेश में कोल आदिवासी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी बुद्धिजीवी आदि लोग उपस्थित रहे। कौशले सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। आदिवासियों के साथ जब गुड़ विधानसभा में अन्याय होता है तो अन्याय के विरोध की आवाज करने वाले जगदीश गोटिया और श्री तुलसीदास कोल रामबाई जी और इस कार्यक्रम के आयोजक रमेश कोल जी और समस्त शबरी माता की परंपरा की कोल समाज की कोल दादरा बजाने वाली कमेटी और नाचने वाली कमेटी की मार्गदर्शक भूटान कोल जी सभी को जय जोहार। साथियों, मैं पूर्व में आया था, आप जैसे आप लोगों ने शबरी माता का दर्शन किया मंदिर के भीतर, शबरी माता के मंदिर के अंदर किस किस देवता की फोटो लगी है आप लोगों ने देखा। उसी प्रकार से आपके क्षेत्र से जो विधायक बनकर के जाते हैं, जो सांसद बनकर के जाते हैं, उसी प्रकार से हम भी दौसर से विधायक बनकर के भोपाल जाकर के और सारी चीजों को देखा। साथियों, अभी हमारे समाज के लोग कह रहे थे कि शबरी माता का प्रसाद लेकर के जाइए, अब तो ये कुल समाज को कुल दरबार को तय कर लेना चाहिए, अब हम शबरी माता के प्रसाद खा करके